कैसे देखते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को, उनकी कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस? देखिए ये ठीक है, एक डिबेट हो सकती है कि टॉस के बाद बैटिंग आसान हो जाती है, मगर इतनी आसान कि 400 कर दे सेमीफाइनल में, सेमीफाइनल के कुछ प्रेशर होता है, थोड़े से अदब-अदाब होते हैं, मगर भारत मैंने पहले भी कहा था कि बहुत वाइड मार्जिन से आगे हैं बाकी टीम से, सो इस लिहाज से ये बड़ी भरपूर परफॉर्मेंस है। और न्यूजीलैंड ने कोशिश की, मगर पता था आपको हाफ टाइम पे जब ब्रेक हुई थी कि भारत ये मैच नहीं हार सकता है, क्योंकि बॉलिंग तो स्ट्रांग है ही है इनकी। विराट कोहली आई थिंक बिल्कुल सही तरह से एक हकदार हैं 50 सेंचुरीज के, क्योंकि आप ऐसे प्लेयर को देखना भी चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि टॉप क्वालिटी बॉलिंग को ये फड़काते हैं, वन डे हो जाए टेस्ट मैच हो जाए ये पीछे नहीं हटते हैं, और फिर ये कि कंसिस्टेंसी है, ये इस रफ्तार से इतनी जल्दी सेंचुरीज लगाना ये बहुत बड़ी बात है, और फिर बेस्ट रन चेजर इन ओडीआई या वाइट बॉल की हिस्ट्री में है, तो ये रिकॉर्ड साज भी हैं और देखने के लायक भी हैं, और बहुत सारी चीजें यंगस्टर्स इनसे सीख सकते हैं। मतलब डाइट प्लान आप देखें इनका, वो फिनोमिनल डाइट प्लान है। यहाँ पे शोज हुए हैं इंडिया में इनके डाइट के ऊपर सिर्फ, कि क्या चीज वो खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, फिर कितनी ट्रेनिंग करते हैं, फिर वो ईट स्लीप ड्रिंक क्रिकेट वाला हिसाब है इनका, तो इसीलिए ग्रेटनेस आती है, ये शॉर्टकट नहीं होता है, और ये सबके लिए मशले राह है इनका जो करियर है, कि ये खेलते भी दबंग हैं, इनका एटीट्यूड भी अच्छा है, इंजॉय करते हैं, जब ये स्विच ऑफ होते हैं, ऑन जब होते हैं तो इस जैसा कोई लड़ने मरने को तैयार नहीं होता, सो पैशन भी है और उसके बाद टेक्निक भी है, और भारत टीम बहुत बड़ी बन गया है। ये मैंने जैसे कहा ना कि 50 सेंचुरी वाला भी इनके पास है, सबसे ज्यादा छक्के रोहित शर्मा मारने वाला भी इनके पास है, फिर श्रेयस अय्यर के ऊपर जो इन्होंने आंख रखी थी कि मेरा ख्याल था वो बाउंसर पे हल्के हैं, उनको ज्यादा बाउंसर नहीं हुए, बट फिर भी 70 बॉलों में 100 कर देना और उनको उनको बैक करना, ये भी बहुत बड़ी बात थी, कि आप रियल वैल्यू ढूंढते हैं प्लेयर में कि वो किस तरह से आपको बेनिफिट दे सकता है, तो उनकी सेंचुरी लाजवाब थी। आई थिंक वो था असल में जो रियल ट्रम्प कार्ड आज भारत चले है ना, वो श्रेयस अय्यर की सेंचुरी थी। तीनों फॉर्मेट से उन्होंने कुछ ही देर के बाद मीटिंग के बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं छोड़ रहा हूँ। जो आप ऑनरेबल एग्जिट की बात कर रहे थे, चले समहाउ, आपके ख्याल में क्या मिला? और साथ साथ कोचिज के हवाले से ये है कि डायरेक्टर मिकी आर्थर का रोल लेके मोहम्मद हफीज को दे दिया गया, जो कोचिज स्टाफ था उनको कहा कि आप सिर्फ अभी काम करेंगे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, और साथ साथ अभी दूसरी और भी काफ़ी न्यूज़ अभी चलती चली जा रही हैं, इनके हवाले से आपकी ज़रूर राय जानना चाहेंगे। देखिए ये भी कमाल हुआ कि बाबर आजम के इस्तीफे के 2 घंटे के अंदर अंदर ही सारे कप्तान अनाउंस कर दिए, और ऐसे तो नहीं होता, पहले से तैयारी थी डेफिनेटली, मगर बाबर आजम ने मेरे ख्याल से ठीक किया। देखें जहां आपका दिल ना लगे और जहां पे इस किस्म की सिचुएशन हो जाए, जहां वर्ल्ड कप में आप हार जाते हैं, बेशक जितनी मर्जी वो मेहनत करे, फिर मुश्किल हो जाता है आपका कप्तानी भी करना, और फिर से खुद से एग्जिट भी लेनी पड़ जाती है, और सिर्फ ये कि उनको समहाउ अपने आप को मोटिवेट रखना है, क्योंकि पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। मैं ये भी समझता हूँ कि 3-4 साल जो होती है कप्तान की शेल्फ लाइफ जो है ना, वो जस्ट अबाउट राइट होती है, उसके बाद जो है ना वो कोई नयापन नहीं आता आपकी स्ट्रेटजी में, आपकी टीम टॉक्स में, कई प्लेयर्स आपके पीक पे होते हैं जब आप कप्तान बनते हैं, उसके बाद फिटनेस इश्यूज हैं, लैक ऑफ फॉर्म है जो हमें दिखी इस वर्ल्ड कप में, तो वो आप भी कंट्रोल चीजें नहीं कर सकते हैं, फिर टीम जो है ना वो रिस्पॉन्स भी उसी तरह से देती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि जब प्रेशर क्रिएट होता है तो फिर एक दूसरे पे उंगलियां उठती हैं, चाहे क्वाइटली उठे चाहे ओपनली उठे, ये होता है, ये तोड़ फोड़ ड्रेसिंग रूम में होती होती है जब आप हारते हैं, तो इस सबको सामने रखते हुए मेरे ख्याल से ठीक डिसीजन लिया उन्होंने विद अ हैवी हार्ट क्लियरली, बट ये पहले से भी तैयारी थी, आई थिंक उनको आइडिया हो गया था कि ये क्या होने वाला है, इसीलिए इतनी जल्दी जल्दी रिप्लेसमेंट्स आ गई। मुझे ये है कि ऐसे थोड़ी होता है कि वो घर गए हैं, उन्होंने कहा जी कि मैं टेस्ट मैच की कप्तानी नहीं करूंगा, और अब 5 मिनट बाद जो है वो कप्तान अनाउंस कर दे, ऐसे नहीं होता है, ये पहले से तैयारी होती है। बिल्कुल ऐसे ही। और मोहम्मद हफीज का जो रोल का आपसे पूछा, और मिकी आर्थर का और बाकी कोचेस के रोल को कैसे देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि उनको भी यही कहा जा रहा है कि आप वो भी घर जाए, ऑप्शन ही ऐसी टफ दी जा रही है? देखिए मेरे हिसाब से तो अगर आपने चेंज करना है तो फिर आपको सबको चेंज करना चाहिए, क्योंकि नई अगर डायरेक्शन लेनी है तो फिर लेनी है,
उसमें फिर आपको ये नहीं सोचना है कि किसी का दिल दुखेगा या नहीं। हाँ, चॉइसेस ठीक होनी चाहिए आपकी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हमारा वो फेज गुजर आने वाला है जहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है, या आपने देख लिया है कि अगर गलतियां भी करेंगे तो वो एटलीस्ट डायरेक्शन के हिसाब से कोई गलती करेंगे। जब आपकी तायुन हो जाए डायरेक्शन, उसके बाद अगर आप गलती करते हैं तो फिर सबके साथ शेयर करें कि हमारा मिशन क्या है, नस्बुल ऐन क्या है, हमने इस टीम को कहाँ लेके जाना है और किस तरह से वहां तक लेके जाना है। ये डे टू डे सर्वाइवल के ऊपर चेंजेस नहीं हो सकती हैं, ये लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं, और इसको हमारी क्रिकेट का रुख मोड़ना है। जब रुख मोड़ना है तो आपको उस तरह की लीडरशिप चाहिए, उस तरह की लीडरशिप चाहिए है, और उस तरह का फिर आपको बयानिया नैरेटिव क्रिएट करना है फॉर द फैंस, फॉर द वर्ल्ड क्रिकेट फ्रेटर्निटी, ऑपोजिशन के पता चले कि हाँ, अब इस तरह से हमने ट्राई किया, पार्टली सक्सेसफुल था, एट टाइम्स सक्सेसफुल था, नहीं था अदर टाइम्स, सो अब हम इस तरह जाके देखते हैं, लेट्स सी कि हम कहां तक पहुंचे। जी, और अमित सर, एक और खबर अभी अभी आई है, वो ये कि वहाब रियाज को सीनियर टीम का चीफ सिलेक्टर मुकरर कर दिया गया है और सुहेल तनवीर को जूनियर टीम का। लेकिन अगर हेड कोच की बात की जाए तो कुछ खबरें जो है वो सर्कुलेट कर रही हैं, लेकिन अभी फाइनल डिसीजन सामने नहीं आया, आप क्या कहेंगे? देखिए, ठीक है, इनकी मर्जी है, ये जुड़ना चाहते हैं क्रिकेट के साथ, बिल्कुल जुड़े हैं, ये तो टाइम बताएगा कि हम डायरेक्शन क्या ले रहे हैं, इनके थ्रू हम कहां तक पहुंचते हैं। मैं इस चीज पे फर्मली बिलीव करता हूं कि आपकी टीम नहीं चल सकती है जब तक कि आपका कप्तान स्ट्रांग नहीं होता। उसको कप्तान को स्ट्रांग नहीं करेंगे, कोई आप बड़े नाम अगर सिलेक्शन कमेटी में लेके आएंगे या कोई भी लेके आएंगे, वो बेमानी होता है, क्योंकि ये फुटबॉल की तरह ये गेम नहीं है कि साइडलाइन से रन हो, ये क्रिकेट है। यहाँ पे चंद स्पोर्ट्स में, क्रिकेट अभी वो वाहिद स्पोर्ट्स बची है या उन स्पोर्ट्स में अभी भी वो स्पोर्ट्स है जहाँ पे कप्तानी लड़ती है, लीडरशिप मेक्स द डिफरेंस। सो आपके ये जो बाकी नाम है ना, ये ठीक है, आपके सपोर्ट स्टाफ तो हो सकता है एक लिहाज से आपकी क्रिकेट के लिए, बट ये डोमिनेंट फोर्स नहीं हो सकते हैं।